हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। मुझे बहुत सारे लोगों को देखकर जो है, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा, और वो चीज़ है अप्रिसिएशन इन स्पेशली इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो इस टॉपिक के बारे में जो है, तो बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी अभी रिसेंटली मेरा दोस्त यासिर आया हुआ था, तो वो मुझे कहता है कहता यार, मुझे अक्सर जब इन फॉरेनर्स के साथ बैठा होता हूँ तो वो मुझे एक बात करते हैं कि तुम लोगों के अंदर तुम जो हो तो अप्रिसिएशन बिल्कुल करते नहीं हो। मतलब खूबसूरत लग रही हो, शुक्रिया, प्लीज़, ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं है। कोई बादशाह के बच्चे हो या कौन से शहनशाहों के औलादे हो गए, तुम लोगों के मुँह से तो शक्कर निकलता ही नहीं है। वो मुझे कह रहा था, और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। और ये कोई इस तरह नहीं है कि अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे याद है जब बच्चे हुआ करते थे तो मेरी अम्मी इस चीज़ पर बड़े चिढ़ती थी। हमारे घर में एक सिस्टम होता था कि मेरे अब्बू जो है, वो जब अम्मी कुछ मज़ेदार नहीं बनाती थी तो हम सब मिलकर क्रिटिसिज्म करते थे, लेकिन जब अम्मी कुछ मज़ेदार बनाती थी तो हर बंदा जो है तो वो बस खामोशी से जो है तो बस खाता था। तो अक्सर औरतों के अंदर तो ज़्यादा तजस्सुस होता भी ज़्यादा है, तो अम्मी जो है तो वो पूछती थी कि मज़ेदार नहीं बना, आप कुछ बोल नहीं रहे। तो अब्बू उन्हें जवाब देते थे कि देखो, जब मर्द जो है तो वो खामोशी से कुछ खा रहा हो तो समझ जाओ कि ये बहुत मज़े का है, बस मर्द जो है तो तारीफ़ें नहीं करते। तो ये चीज़ बात में जो है तो हमें समझ आई, और ख़ास तौर जब मैं बाहर आया एज अ बैचलर्स रहने शुरू किया मैंने, और फिर जब सारी चीज़ें खुद करनी हुई, खाना बनाओ, कपड़े धो, ये चीज़ें वो चीज़ें, तो फिर जब एक मकाम आया कि शुरू में जब हम भी कंबाइन खाना वगैरह बनाते थे, तो जब बनाते थे कोई तारीफ़ करता था तो बहुत मज़ा आता था, दिल खुश होता था, अगले दिन और भी जज्बे के साथ जो है तो खाना बनाने के लिए जाते थे। तो ये चीज़ जो है तो बहुत ही अहम चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर, और ये कोई इस तरह नहीं है कि हम जो है तो कोई अखलाक में गिरे हुए हैं, बस वो एक कल्चर होता है, उस कल्चर का एक इफेक्ट होता है आपके ऊपर। और वो हमारे लोग जो है तो वो ज़रा इजहार करने के अंदर शर्माते हैं, चाहे वो बहन भाई हो या माँ बाप हो, कोई भी हो, तो वो एक दूसरे के साथ इजहार करने में जो है तो वो शर्माते हैं। और ये एक नेचुरल चीज़ है, जाहिर बात है वक्त के साथ जो है तो बदल जाता है इंसान, लेकिन हम इस चीज़ को लैग कर रहे हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि यार, मतलब एज अ इंसान शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से शुरू करें, अपनी माओ की, बहनों की, बीवी, अगर किसी ने शादी की हुई है, अगर मेरे तेरे लौंडे हैं तो वो माँ और बहनों पर ही गुजारा करें। तो जब वो कुछ अच्छा बनाएं या वो कुछ वो दें, उन्हें ज़रा सा प्यार का जेस्चर दे, ज़रा सा शुक्रिया, थैंक यू, ये वाली चीज़ें अपने मुंह के अंदर लाना बहुत वो करें, क्योंकि जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएंगे तो मैंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि मीठी ज़ुबान जो है तो वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और बहुत काम आपके निकलेंगे मीठी ज़ुबान से। तो अब मीठी ज़ुबान का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप चापलूसी शुरू कर दें और लोगों की झूठी तारीफ़ें करना शुरू कर दें, और कोई कोजा सा बंदा हो और आप जो है तो उसके खूबसूरती के पुल बांध दें, तो वो मतलब नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हम ज़रा सा बैकअप करते हैं, हम बोलने से कतराते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना है। आप यकीन करें, जब मैं बेल्जियम के अंदर मैंने आखिरी 6 महीनों के अंदर मैंने अपना स्टूडेंट जॉब शुरू किया था, तो मैं बर्गर किंग के अंदर स्टूडेंट जॉब कर रहा था। तो बर्गर किंग के अंदर मैं किचन के अंदर काम करता था, तो किचन के अंदर ये होता था कि एक दरमियान में वर्क स्टेशन होता था, और इस तरफ उस तरफ कुछ लोग उस तरफ होते थे, दो लोग इस तरफ, दो उस तरफ। तो उसके अंदर ये होता है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत करते थे, मतलब गिव मी सम टोमेटो, गिव मी सम सैलेड, पास मी सम चीज़, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो पहले दिन ही जो है तो वो शिफ्ट लीडर वो आपको समझा रही होती है ना कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो मुझे कह रही थी कि देखो, हम यहाँ पर जो है तो सब जो है तो एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करेंगे, तो अगर कोई आपका कोई काम करता है तो उसको जो है तो आपने शुक्रिया, प्लीज़, ये वाली चीज़ें जो है तो आपने बोल कर बोलना है कि जिमी गिव मी समथिंग, जिल्दा गिव मी समथिंग, तो ये इस तरह का लहजा आपने जो है तो अपनाना है। अब मेरी ये मन तक थी कि यार, मैं कहता था यार, 1 घंटे के अंदर 40-50 दफ़ा आप दूसरे बंदे को बोल रहे हो कि यार चीज़ दे दो, ये दे दो, या फिलहाल दे दो, तो 40-50 दफ़ा कौन शुक्रिया और प्लीज़ और ये चीज़ें बोलेगा। तो मैं नहीं बोलता था, तो शुरू में तो उसने इग्नोर किया है, लेकिन बाद में, क्योंकि वो बड़ी अच्छी इंसान थी, उसने बाद में मुझे बोला कि अगर तुमने जो है तो ये काम ना शुरू किया, मैं तुम्हें फ्रंट पर भेजूंगी। अब फ्रंट पर ये है कि फ्रंट के ऊपर मार्केटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कि फ्रंट पर किसी भी रेस्टोरेंट के फ्रंट डेस्क के ऊपर जो बंदा आपको मिलेगा, वो आपको बड़ा मुंह के अंदर उसने जो है तो मिठाई डाली होती है, और वो बड़ा हंस कर जो है तो आपके साथ बातें कर रहा होता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि उन्हें समझाया होता है कि जब बंदा 10 रुपए की चीज़ लेने आए तो आपने 100% कोशिश, 30-40 रुपए की जो है तो खरीदारी करे। तो वो फिर जब फ्रंट डेस्क के ऊपर गए तो मजबूरन जब कोई आता था तो व्हाट वुड यू लाइक, और थैंक यू, प्लीज़, डू यू वांट समथिंग एल्स, तो ये वाली चीज़ें जो है ना, फिर वहाँ पर बिल्डअप शुरू किया। और वो 5-6 महीनों के अंदर जो है तो कम्युनिकेशन, और शुरू में बंदा शर्माता है कि यार मैं इसकी तारीफ़ करूँगा किस तरह, अजीब लगेगा। फिर जब आप एक नॉर्मल रूटीन के अंदर आते हैं तो वो आपकी एक आदत बन जाती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने अपनी अब प्रोफेशनल करियर के अंदर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि
ये हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ही अहम है, और बाहर के लिए नहीं, बाहर छोड़े अपने घर के अंदर। यार हमारी माएँ बहनें कितना 40-45 सेंटीग्रेड की गर्मी के अंदर जो है तो वो खाने भी बना रही हैं, काम भी कर रही हैं, और उसके बाद जो है तो चलो अगर मज़ेदार नहीं बना तो बोलो कि यार मज़ेदार नहीं बना, लेकिन अगर मज़ेदार बना है तो फिर तो हक बनता है ना। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करें, सिर्फ अपनी माएँ माओ बहनों का नहीं, अपनी हर आपके जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है। तो देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो है तो एक एक दिन के अंदर जो है तो वो अपनी कोई अपनी बुंदी हिलाकर जो है तो करोड़ों के कमा रहा है, कोई जो है तो अपनी बड़े सर को दिखाकर जो है तो वो करोड़ों कमा रहा है। मेरे जैसे भी होते हैं जो सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन असल जो इस माशरे को बदलने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो सुबह सवेरे निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई बसें चला रहे हैं, कोई जो है तो रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सोचें पेशावर या पाकिस्तान की गर्मी के अंदर वो लोग जो रोडे बना रहे हैं, तो ये रोडे किस हमारे लिए ही बन रही है, इस रोड के ऊपर हम ही आराम से जाते हैं, हमारी गाड़ियाँ ही लाखों की गाड़ियाँ जो हैं तो वो आराम से जो है तो स्मूथ विदाउट एनी मेंटेनेंस के जो है तो वो चल रही होती है महीनों महीनों। तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, और ये हमारे माशरे के अंदर जो है तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए, और नॉर्मलाइज करने का सबसे बड़ा और अहम तरीका ये है कि आप एक चीज़ को जो है तो वो अपने घर से शुरू करें, क्योंकि इंसान अपने घर वालों के साथ जितना कंफर्टेबल होता है इतना किसी के साथ भी नहीं होता। तो मुझे पता है हर इंसान जो है तो वो शर्माता है, लेकिन कोशिश करें, और कम से कम यार और कुछ ना हो तो जहाँ पर जिस बंदे का हक बनता है उसकी तारीफ ज़रूर करें। हम अपने मुँह में जो आलू डाले हुए हैं उबले हुए उन्हें जो है तो बाहर निकालें, और एक दूसरे की जो है तो अप्रिसिएशन बहुत करें, क्योंकि ये जो है तो बहुत अहम चीज़ है। तो आज ये टॉपिक बड़ा अहम था, ये यासिर की सिफारिश पर जो है तो मैंने किया है, वो भी कह रहा था मुझे कि करक के लोगों को जो है तो स्पेशल पैगाम पहुंचाना है, तो मैंने कहा कि चलो करक के लोगों के साथ जो है तो पाकिस्तान के लोगों को भी जो है तो एक स्पेशल पैगाम दें कि स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर मदर, योर सिस्टर, योर गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुदा निगहबान।